चीन पाकिस्तान को लताड़। दरअसल यूनाइटेड नेशंस में पाक आतंकी के खिलाफ सबूत। भारत ने यूएन में आतंकी साजिद मीर का ऑडियो टेप भी सुनाया है। साजिद मीर को आतंकी घोषित करने में चीन ने दरअसल अड़ंगा डाला है और ऐसे में भारत ने यह सबूत सामने रखा है। भारत ने यूएन में आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सामने रखा है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि कैसे वो दहशत फैलाने के काम में लगातार लगा हुआ है। और ऐसे में एक बार फिर से चीन ने देखी कैसे पाकिस्तान का साथ दिया, या यूं कहे कि आतंक का साथ दिया है, क्योंकि आतंकी साजिद मीर को आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में चीन ने एक बार फिर से टांग अड़ा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, यूएन में भारत की चीन पाकिस्तान को एक बार फिर से लताड़। यूएन में पाक आतंकी के खिलाफ सबूत भारत की तरफ से पेश किए गए हैं। भारत ने यूएन में आतंकी साजिद मीर का ऑडियो टेप सुनाया है। इस ऑडियो टेप को सुनकर साफ समझ में आता है कि कैसे साजिद मीर लगातार भारत के खिलाफ साजिशें पहले भी रचता रहा और इसके बाद भी रचता रहा है। और ऐसे में अब जब चीन ने एक बार फिर से इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में अड़ंगा लगाया है, तो भारत ने वो अहम सबूत यूएन में सामने रखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ड्रैगन एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। और चलिए आपको हम सुनवा देते हैं वो ऑडियो। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आते हैं, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आते हैं, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आते हैं, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आते हैं, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो सुना आपने, 26/11 में जो हमला हुआ था मुंबई में, उसी दरमियान का ये ऑडियो है। और इस ऑडियो में साफ सुनाई देता है कि साजिद मीर कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था यहाँ पर आतंकियों को, और कह रहा था कि जो भी सामने आ रहा है उसको फायर करो, उसके ऊपर फायर करो, क्योंकि उसको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर हो क्या रहा है।